कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला गरमाया हुआ है। देश भर के डॉक्टर सड़कों पर हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक्शन मोड में है। मामले की जांच कर रही सीबीआई 7 दिन से सबूत इकट्ठा कर रही है और आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष चौतरफा विवादों में फंस गए हैं। सीबीआई की टीम छठे दिन भी डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। पिछले 5 दिन में डॉक्टर संदीप घोष से करीब 64 घंटे तक पूछताछ की गई और सवालों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। बताया जा रहा है कि संदीप घोष किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे। खबर है कि डॉक्टर घोष सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए एजेंसी उन्हें बार बार बुला रही है। अगर डॉक्टर घोष का रवैया यही रहा तो एजेंसी उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए कोर्ट से मंजूरी मांग सकती है। अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत दे दी थी। अब आपको संदीप घोष का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने आर्यगढ़ मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा देने के बाद दिया था। इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ मेंटली। मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर, लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल दैट शी हैव रिजाइन। संदीप घोष, प्रिंसिपल आर्चिकर। उधर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े नए मामले में भी डॉक्टर घोष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को उन्हें पुलिस के सामने पेश होना है और करप्शन केस में अपने बयान दर्ज कराने हैं। दरअसल 20 अगस्त को आर्यगढ़ मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का केस दर्ज कराया गया था। ये केस ताला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ विशेष सचिव देवल कुमार घोष ने एक लिखित शिकायत के जरिए डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ केस दर्ज कराया है। घोष पर अनियमितता, अवैध कमीशन लेने और नियुक्तियों में हेर फेर के आरोप लगे हैं। सरकार ने जांच के लिए आईपीएस डॉक्टर प्रणव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जाँच टीम एसआईटी का गठन किया है। इस बीच आर्यगढ़ मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और मौजूदा वक्त में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने आरोप लगाया कि डॉक्टर घोष ने कई छात्रों को नुकसान पहुंचाया है। वो विद्यार्थियों को फेल कराते थे और फिर पैसे लेकर छात्रों को पास कराते थे। मामले की लिखित शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तो क्रिमिनल है, डॉक्टर तो उनको कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिन से वो ज्वाइन किया है उसके पहले ये कॉलेज जो है ये 100 साल पुराना कॉलेज है। इसका जो है ईस्टर्न इंडिया में रैंकिंग 1 नंबर रैंक था। इस कॉलेज में अच्छे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आते थे, लेकिन जनवरी 2021 के बाद इस कॉलेज को ये बर्बाद कर दिया। पैसे के लिए, पावर के लिए ये एक माफिया राज चलाते थे। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे वो। मैंने उनको 2023 में एक्सपोज किया था, मीडिया ने इस चीज़ को सामने लाया लोगों के। फिर मैंने जुलाई 2023 को उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन में कंप्लेन किया था। एंटी करप्शन वालों ने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजा था और एक कवरिंग लेटर करके, मगर ये बहुत ही बदकिस्मती है कि उनका कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी लास्ट एक कल सिट कमेटी फॉर्मेशन किया गया है और आज से उसका इंक्वायरी शुरू हुआ। आज मुझे हेडक्वार्टर में बुलाया गया था, मैं जाके आया हूँ और मैं अपना स्टेटमेंट भी देके आया हूँ। उन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और मैंने कहा कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं कोऑपरेट करूँगा। मगर इस बीच इतना लंबा वक्फा में उन्होंने, डॉक्टर संदीप घोष ने जो जुर्म किया है और स्टूडेंट लोगों का जो ज़िंदगी से खेला, इसका जवाब कौन देगा? इसके साथ इंसाफ कौन करेगा? कई स्टूडेंट का उन्होंने लाइफ बर्बाद कर दिया, बहुतों का उन्होंने इंटर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक माफिया राज चलाते थे, स्टूडेंट लोगों को शराब पीना सिखाते थे, स्टूडेंट लोगों से गलत गलत काम, पैसा वसूली करना, तस्करी करना, ये सब सिखाते थे। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी को भी बिक्री करते थे और बाद में उन्होंने डेथ रजिस्टर को भी गायब कर दिया। बता दें कि 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने कोलकाता पुलिस ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई थी।
इस मामले में एक लेटर पिटिशन दाखिल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के दो वकील हमारे साथ हैं, उज्जवल गौर साहब हैं, रोहित पांडे साहब हैं, दोनों ही मौजूद हैं और इन्होंने इस मामले में सबसे पहले जो है लेटर पिटिशन दाखिल की थी और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई भी की। रोहित साहब ये बताएं कि आज जिस तरह की सुनवाई हुई उसने कहीं ना कहीं कलई खोल कर रख दी जो लीपापोती की कोशिश पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा लगातार इस मामले में हो रही थी। देखिए आज डॉक्टर्स के लिए एक राहत भरा दिन है, इसलिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया कि हम उन्होंने एक मॉनिटरिंग कैसे की जानी चाहिए वो आज दिखाया कि वो मॉनिटर कैसे करना है ऐसे मामले में जो बहुत ही घिनौने अपराध हैं। तो इसको घिनौने अपराध के तौर पे लेकर के उन्होंने एक सीरियसली इसको टेकअप किया और ये कहा कि अब ऐसे मामले को इन्होंने खुद देखे, स्पेशली ऑटोप्सी से लेकर के पीएम रिपोर्ट से लेकर के हर चीज अपने 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 तरीके जैसे होता है कि आप कह सकते हैं कि एक ट्रायल जैसे किया जाता है उस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया और ये एक प्रूफ किया, एक मिसाल भी कायम कहने की बात कह सकते हैं आपकी। कोर्ट ने आज ये चिंता व्यक्त की कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या कंडक्ट था, कोर्ट ने आज ये चिंता व्यक्त की कि कोलकाता पुलिस का कंडक्ट क्या था, उसको लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर थी कोर्ट। और कोर्ट ने ये पाया कि कोलकाता पुलिस का कंडक्ट ठीक नहीं था, कोर्ट ने ये पाया कि स्टेट ऑफ बंगाल का कंडक्ट ठीक नहीं था। उसको मद्देनजर देखते हुए कोर्ट ने यह कह दिया कि सीआईएसएफ को एक डिप्यूट कर दिया, कह दिया कि आज से जो भी प्रोटेक्शन होगा वो उस कॉलेज का, उस मेडिकल कॉलेज का, हॉस्पिटल का और वहां के डॉक्टर्स का, इंटर्न्स का, नर्सेस का, वो सीआईएसएफ करेगी। दूसरी बहुत बड़ी बात उन्होंने ये करी है कि एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है जिसमें ये कहा है कि ऐसे डॉक्टर्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो हमारे लिए 36 घंटे काम करते हैं, हमें बचाते हैं एक भगवान के रूप के तौर पर, कि उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उनका कि उनके साथ जो आज हॉस्पिटल के अंदर रेप और मर्डर हो रहे हैं, ब्रूटल मर्डर हो रहे हैं, कैसे उसको बचाया जाए, उनके लिए जो उनके लिए मॉडलिटीज कैसे बनाई जाए, उनके लिए कैसे मेजरमेंट, कैसे मेजर्स उसके लिए बनाने हैं, वो सब करने की बात आज कोर्ट ने कही। एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया जिसमें 10 डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई जिसमें कहा कि आप एक गाइडलाइन बनाइए, आप एक रिपोर्ट सबमिट करिए सुप्रीम कोर्ट में। आज एक बहुत बड़ा दिन उसके लिए था कि अब क्या क्या बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए एक हॉस्पिटल की, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट, क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं डॉक्टर्स को, वहां के लोगों को जो सर्विस दे रहे हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों को जो पेशेंट है वहां पे। तो तमाम ऐसी बातें कोर्ट ने आज कही हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दिन था, बहुत राहत भरा दिन था। और ये भी कहा है, और दूसरा एक कहा है कि जो एक आइडेंटिटी की बात की कि उस विक्टिम की, कि उस विक्टिम की आइडेंटिटी आपको रिवील नहीं करनी है, दिखानी नहीं है, वहां भी उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि उसके बारे में पता चल रहा है, उसकी वीडियो और उसकी फोटोज सर्कुलेट हो रहे हैं। उसके लिए उन्होंने चिंता व्यक्त की कि ऐसे मामले कई बार पहले भी आए, जिसके लिए इसके पहले जजमेंट भी कई आया है कि ऐसे जब ऐसे मामले जो रेप के केसेस में विक्टिम की आइडेंटिटी जो है छुपा के रखनी चाहिए। ठीक है, उज्जवल गौर साहब भी हमारे साथ। उज्जवल जी बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खास करके हमारा जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वहां पर महिलाओं के लिए वैसे ही काम करना मुश्किल है, ऐसे में महिलाएं काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आए खास करके अस्पताल में, उन्हें हमें सुरक्षा उनकी सुनिश्चित करनी चाहिए, महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर ये सुनवाई कितनी अहम है? देखिए आप ये समझिए कि अब ये मुद्दा केवल कोलकाता रेप केस का नहीं रह गया है, ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने के बाद ये पैन इंडिया लेवल का मुद्दा बन गया है और ये सभी डॉक्टर्स के हित की बात है। जो डॉक्टर्स कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि उनको डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, उनके साथ बदसलूकी होती है, उनके साथ बदतमीजी होती है, तो ये मुद्दा अब उस लेवल तक पहुंच गया है कि डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट का ये एक रास्ता बन गया है जो ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस के जरिए रहा। अभी जो कमेटी, जो स्पेशल नेशनल टास्क फोर्स जो गठित की है, जो 14 मेंबर कमेटी है, 9 उसमें मेंबर्स रखे गए हैं, 5 उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रखे गए हैं, ये कमेटी अब रिकमेंड करेगी। कमिटी के रिकमेंडेशन अब जिम्मेदारी जो है वो कमिटी पर आ चुकी है, क्योंकि कमिटी क्या रिकमेंड करेगी? कमिटी अगर रिकमेंड करती है कि हमें डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए और बशर्ते वो अगर एक्ट नहीं आता लेकिन सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस या डायरेक्शंस निकाल देती है कि ये चीजें मैंडेटरी हैं जो सभी आपके वो हेल्थ मिनिस्ट्री को दे कि आप ये वाली चीजें कंप्लायंस कराएं, तो निश्चित ही बहुत ही ऐतिहासिक आज का मैं समझता हूं कि ये सुनवाई रही है। चलिए, तो कोलकाता में हुए घटनाकांड के बाद जिस तरीके से आक्रोशित डॉक्टर जो हैं हड़ताल पर भी हैं, उस पर भी मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने आपकी समस्याओं को सुना है, ऐसे में आपसे गुजारिश करेंगे कि एक बड़ा वर्ग जो हड़ताल की वजह से प्रभावित हो रहा है उनको ध्यान में रखते हुए आप वापस काम पर लौट आए और डॉक्टर्स की सुरक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
इस सब के बीच उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। जूनियर डॉक्टर की हत्या पर मचे बवाल के बीच इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि राज्यपाल ने दोनों को इस मामले से अवगत कराया होगा। आनंद बोस से पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थी।